सो गाइस, आप लोग को पता होगा कि हमारे गेम के अंदर एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है MR1। इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन गाइस क्या आप लोग को पता है कि हमारे गेम के अंदर एक और कैरेक्टर आएगा जो कि फीमेल कैरेक्टर रहेगा, जिसके बारे में आप लोग को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है। साथ ही साथ में गाइस आप लोग को बिल्कुल ही नया पेट भी देखने को मिलेगा, जो कि गाइस इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पर इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि गाइस आप लोग को OB27 के अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, जो हमारा OB27 का अपडेट है ना, ये आप लोग को कब देखने को मिलेगा, एडवांस सर्वर कब रिलीज होगा, आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हो, आप लोग को फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी, आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूंगा जो कि आप लोग को बिल्कुल ही पता नहीं होंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे डाल देना, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो को बाद में भी लाइक कर सकते हो अगर पसंद आ जाती है तो। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, जो हमारा OB27 का अपडेट है वो आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को अच्छे अच्छे आइटम्स देखने को मिलेंगे। उसकी कंफर्म डेट मैं आप लोग को इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आप लोग को कुछ आइटम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को मैं 5 ग्लोअल दिखा रहा हूँ, जो कि गाइस हद से ज्यादा ओपी है। यहाँ पर गाइस खास करके जो लास्ट वाली जो ग्लोअल यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, जिसमें गाइस COC जो क्लैश ऑफ क्लैन है ना, उसमें जो एलेक्जर रहता है उसी तरीके से यहाँ पर लग रहा है मुझे। और गाइस बहुत ही ओपी डिजाइन लगा मुझे, गाइस बहुत ही सही लगा, और इसमें एक्वेरियन टाइप फील आएगी आप लोग को। बहुत ही सही सही इसका यहाँ पर लुक बना है गई ना फ्री फायर ने, मजा आया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो डिस्को दीवाने वाला जो एक बंडल आया था ना, क्या बोला तूने, था ना बहुत ही पहले, जिसमें आप लोगों ने गोल्ड वॉल से निकाला होगा, तो यार उसका भी यहाँ पर आप लोग ग्लू वॉल देख सकते हो। और साथ ही साथ में डेथ राइडर आप लोग को पता होगा, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इसके यहाँ पर ग्लोअल की स्किन आप लोग को देखने को मिलेगी, मिस्ट्री गेमिंग मिस्ट्री है, एंड गाइस फेथ है यार। तो यार ये सारे के सारे जो ग्लोअल है ना, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे हमारे OB27 के अपडेट के बाद। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को कुछ बैकपैक में आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग को एलाइट पास के अंदर शायद से देखने को मिलेंगे, कुछ एलाइट पास में देखने को मिलेंगे, कुछ प्री ऑर्डर वाले होंगे, कुछ स्टोर में आएंगे, एंड कुछ आप लोग को टॉप अप इवेंट में देखने को मिल जाएंगे। 100 डायमंड के अंदर आप लोग को आराम से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कुछ अपकमिंग गन स्किन के बारे में। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जितने भी गन स्किन अभी OB27 के अपडेट के बाद आएंगे ना, वो मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। खास करके गाइस यहाँ पर जो पारंग की स्किन है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पर जो गिटार एंड जो पियानो है ना, ये कोई गिटार पियानो नहीं है, ये एक पारांग की स्किन है, जो कुछ भी जो कि यार हद से ज्यादा खतरनाक लगी यार, क्या ही डिजाइन बना दे, ओपी डिजाइन है। एंड गाइस जो हमारा एक नया वेपन आया ना, पता नहीं इसका क्या नाम है, तो यार ये जो आप लोग का इसका स्किन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, डंडे का स्किन देखने को मिल जाएगा, कटाना का स्किन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप लोग को जो हमारी M1887 यानी कि जो दो गोली वाली शॉर्ट गन है ना, उसकी गाइज एवोल्यूशन गन स्किन देखने को मिलेगी, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। पर ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा हमारे OB27 के अपडेट के बाद। एंड गाइज कुछ आप लोग को यहाँ पर कार की स्किन दिखा रहा हूँ, ये भी गाइज आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो पैरासूट आप लोग देख रहे हो ना, ये तो टट्टी है, सारे के सारे मतलब टोटल आप लोग को जितने भी पैरासूट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, सारे के सारे आप लोग को 100% फ्री में मिल जाएंगे गाइज। तर उसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं होगा, कुछ मिशन वगैरह ये लोग देंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा OB27 का अपडेट आएगा ना, उसमें आप लोग को कौन सा नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग तो बात कर लेते हैं हमारे MR1 कैरेक्टर के बारे में। तो जो हमारा MR1 कैरेक्टर है ना, उसका नाम है, पूरा नाम है मोहम्मद रमदान, और ये एक इजिप्ट का बंदा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ एक एक्टर है। तो उसके साथ आप लोगों को कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा OB27 के अपडेट के बाद। उसके बाद गाइस हमारा जो एलाइट एंड्रू है ना, वो आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। एलाइट एंड्रू मतलब वही है, दोनों का नाम अलग है, लेकिन गाइस वो दोनों कैरेक्टर एक ही रहने वाले, समझ में आ रहा है। आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, आप लोगों को कुछ मिशन वगैरह दिए जाएंगे, जिस तरीके से केली का है। एंड गाइस जो हमारा एलाइट आया था ना, उसका आप लोगों को जिस तरीके से मिशन मिला था ना, उसी तरीके से आप लोगों को ये इसका मिशन भी मिल जाएगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ये कैरेक्टर मिल जाएगा। सो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एलाइट
एंड्रू के एबिलिटी के बारे में। सर इसकी एबिलिटी ये रहेगी कि जैसे आप लोग स्प्रिंट बटन पे टैप करते हो, मतलब आप लोग जैसे स्प्रिंट करते रहते हो उसके बाद आप लोग एनिमी को जैसे हिट करते हो रुक के, तो उसको जो डैमेज पड़ेगा वो स्लाइटली ज़्यादा होगा। इस तरीके की इसकी एबिलिटी निकल के आ रही है, लेकिन ये एबिलिटी जो है ये कन्फर्म नहीं है। जैसे कन्फर्म वगैरह हो जाती है ना कि कौन सी एबिलिटी रहेगी, मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना जान के रखो कि इतना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तर अब हम लोग बात कर रहे थे कि एक और नया कैरेक्टर आएगा MR1 के साथ। तर वो जो कैरेक्टर रहेगा उसका नाम रहने वाला है ज़ेनिया। यहाँ पर गाइस उसका लुक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का उसका लुक रहेगा। और इसकी जो एबिलिटी है ना ये तो अभी कन्फर्म नहीं है। और गाइस आप लोग को पता है कि दो कैरेक्टर और पेंडिंग है, जिसका नाम है एक का नाम है सर्व और गाइस दूसरा का नाम है स्नो वैली। तर ये दोनों के जो कैरेक्टर है ना ये अभी पेंडिंग है, अभी तक गेम के अंदर देखने को नहीं मिले। हालांकि ये तो जो दो कैरेक्टर है ना ये आप लोग को OB24 के अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले थे, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिले। तो यार वो आप लोग को देखने को मिल सकते हैं हमारे शायद OB27 के अपडेट के बाद। उसके बाद गाइस आप लोगों को एक और नया ये पेट देखने को मिलेगा। तो ये जो पेट है इसका नाम अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बोला जा रहा है कि इसका जो नाम रहने वाला है वो रहने वाला है एलियन पेट। और ये आप लोगों को शायद इसकी एबिलिटी वगैरह रहेगी, क्या ये फ्लाइट वगैरह करेगा पता नहीं इसकी एबिलिटी क्या रहेगी, लेकिन अभी इसका यहाँ पर शैडो रिवील हो गया तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा देना चाहिए। तो इस तरीके की आप लोग को पेट देखने को मिलेगा जिसका शैडो आप लोग यहाँ पर देख सकते। उसके बाद गाइस आप लोगों को एक नया यहाँ पर गन स्किन भी देखने को मिलेगी जिसका नाम रहेगा CORD। तो ये जो गन स्किन है ना इसकी एबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो यार ये गन स्किन है तो यार इसका जो डैमेज होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा, साथ ही साथ में इसकी जो रेंज होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ये आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो ये क्या कहते हैं वुड पिकर है एंड जो हमारी ड्रैगन ऑफ है ना उस तरीके की ये गन स्किन रहने वाली है। सेमी स्नाइपर कहते हैं ड्रैगन ऑफ एंड हमारी जो वुड पिकर है उस तरीके की गन स्किन रहेगी और बहुत ज़्यादा हाई डैमेज देगी। तो यार इस तरीके की आप लोग को AR गन देखने को मिलेगी, ये AR गन होने वाली है। ये आप लोग को ना हमारे एडवांस सर्वर के अंदर देखने को मिल जाएगी और जो एडवांस सर्वर है वो रिलीज होगा 1 अप्रैल को। और आप लोग सोच रहे हैं कि जो भाई जो हमारा OB27 का अपडेट है वो कब आएगा, जो हमारा OB27 का अपडेट है ना वो आप लोग को देखने को मिलेगा 14 अप्रैल को। डेट एकदम कंफर्म है लेकिन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। आप लोग को पता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस सर्वर अगर लेट हो जाता है ना उसके बाद गाइस आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन गाइस जो एडवांस सर्वर वो आप लोग को पता है कि 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। अप्रैल फुल नहीं बना रहा, ऐसा मत समझना कि अप्रैल फुल बना रहा, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। कंफर्म है कि 1 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है ना उसके लिए मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, लेकिन गाइस अभी नहीं बता सकता क्योंकि यार वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो यार आज का जो वीडियो था ना ये तक था। तो अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।